हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग इंग्लिश विद जीनत। मैं आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो लेकर आई हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और मैंने हेल्पिंग वर्ब की वीडियो करा दी। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब की वीडियो मैंने करा दी है। यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं? ता हूँ, ती हैं, ते हैं, या ते हो, या ती हैं, या ता हो, या ती हैं, ये सब क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हैं, ते हैं, या ती हूँ, या ती हो, या ते हो, ती हैं, या ता है इत्यादि रहे, उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। क्या होगा? सेंस, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हैं, या ती हो, या ते हैं, या ते हो, ती हैं, ता है इत्यादि रहे, उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो। सब्जेक्ट के बाद क्रिया का मूल रूप दें, परंतु सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहे तो क्रिया में एस या एस जोड़। सब्जेक्ट के बाद क्रिया का मूल रूप दें तो, परंतु सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन हो तो उसे सिंगुलर नंबर में रहे तो क्रिया में एस या ईएस जोड़ दें। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं कि कैसे यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे आई प्ले, एक ये सिंपल सेंटेंस है। आई प्ले मतलब मैं खेलता हूँ या खेलती हूँ। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलती हूँ। तो क्या है हेल्पिंग वर्ब के साथ? डू नॉट, आई डू नॉट हेल्प, डू नॉट प्ले। डू आई प्ले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाई डू आई प्ले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करेंगे हम। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, सिंपल सेंटेंस है। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। इसे हम प्लूरल में बनाएंगे, हम लोग खेलते हैं, वी प्ले। हम लोग खेलते हैं, वी प्ले, सेकंड पर्सन। आप खेलते हैं, आप खेलते हैं मतलब यू, यू प्ले। प्लूरल में बनाएंगे, आप लोग खेलते हैं, यू प्ले। आप लोग खेलते हैं, यू प्ले। फर्स्ट सिंगुलर में वे बनेगा और प्लूरल भी होता है यू। थर्ड पर्सन, वे या राम खेलता है, ही शी या इट राम प्लेज। वे लोग या लड़के खेलते हैं, दे बॉयज प्ले। अब हम इसके मैंने कुछ सेंटेंसेस भी लिए। मैं जाता हूँ, आई गो। जाने की क्रिया होगी आई गो। सब्जेक्ट क्या? आई गो, जाने की क्रिया, आई गो। मैं दौड़ता हूँ, आई रन, आई रन। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। तुम पढ़ते हो, यू रीड। तुम पढ़ते हो, यू रीड। फोर्थ, मेरा भाई हंसता है, माई ब्रदर लाफ। क्रिया कहेगी और हंसने की, माई ब्रदर लाफ। उसके दोस्त हंसते हैं, हिज फ्रेंड्स लाफ। उसके दोस्त हंसते हैं, हिज फ्रेंड्स लाफ। सिक्स्थ इज, गाय चरती है, काउज ग्रेज। चरना ग्रेज, काउ ग्रेज। सेवन्थ इज, बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले। क्या क्रिया हो रही है? खेलने की, प्ले, चिल्ड्रन प्ले। एट्थ, पवन और रवि खाते हैं, पवन एंड रवि ईट। क्या क्रिया हो रही है? खाने की, पवन एंड रवि ईट। अब निगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा, देन हेल्पिंग वर्ब, नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। अब सेंटेंस देख लेते हैं। मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। सब्जेक्ट आई डू, हेल्पिंग वर्ब नॉट, डू नॉट गो। सेकेंड इज, मैं नहीं दौड़ता हूँ, आई डोंट रन। सब्जेक्ट आई डू नॉट रन, मैं नहीं दौड़ता हूँ, आई डोंट रन। थर्ड इज, तुम नहीं पढ़ते हो, यू डोंट रीड। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डोंट रीड। फोर्थ इज, मेरा भाई नहीं हंसता है, माई ब्रदर डज नॉट लाफ। मेरा भाई नहीं हंसता है, माई ब्रदर डज नॉट लाफ। फिफ्थ इज, उसके दोस्त नहीं हंसते हैं, His friend do not laugh. उसके दोस्त नहीं हंसते हैं, His friend do not laugh. Sixth is, गाय नहीं चरती है, Cow do not graze.
गाय नहीं चरती है, काउ डू नॉट ग्रेज। 7th इज बच्चे नहीं खेलते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले। बच्चे नहीं खेलते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले। 8th इज सीमा और रीना नहीं खाती हैं, सीमा एंड रीना डू नॉट ईट। सीमा और रीना नहीं खाती हैं, सीमा एंड रीना डू नॉट ईट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले मैन हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डस, फिर सब्जेक्ट यूज होगा, देन हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। वर्ब मतलब क्रिया, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी वर्ब की। अब सेंटेंस देख लेते हैं। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड क्रिया जो हो रही है जाने की, डू आई गो। सेकेंड इज क्या मैं दौड़ता हूँ, डू आई रन। क्या मैं दौड़ता हूँ, डू आई रन। थर्ड इज क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। फोर्थ इज क्या मेरा भाई हंसता है, डज माई ब्रदर लाफ। क्या मेरा भाई हंसता है, डज माई ब्रदर लाफ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले मैन हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज प्लस में सब्जेक्ट, देन नॉट का यूज होगा सब्जेक्ट के बाद, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब सेंटेंस देख लेते हैं। क्या उसके दोस्त नहीं हंसते हैं, डू हिज फ्रेंड नॉट लाफ। सबसे पहले मैन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, नॉट एंड लाफ। क्या उसके दोस्त नहीं हंसते, डू हिज फ्रेंड्स नॉट लाफ। डू हिज फ्रेंड्स नॉट लाफ। 6th इज क्या गाय नहीं चरती है, डू काउज नॉट ग्रेस। क्या गाय नहीं चरती है, डू काउज नॉट ग्रेस। 7th इज क्या बच्चे नहीं खेलते हैं, डू चिल्ड्रन नॉट प्ले। क्या बच्चे नहीं खेलते हैं, डू चिल्ड्रन नॉट प्ले। 8th इज क्या सीमा और रीना नहीं खाती हैं, डू सीमा एंड रीना नॉट ईट। दो एंड हुआ है बीच में जोड़ने के लिए, सीमा एंड रीना, डू सीमा एंड रीना नॉट ईट। WH फैमिली में यूज करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को WH फैमिली। व्हेन व्हाई हाउ ए सक्ता का प्रयोग, व्हेन व्हाई हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डस, देन सब्जेक्ट का यूज होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब सेंटेंस देख लेते हैं। मैं क्यों जाता हूँ, व्हाई डू आई गो। मैं क्यों जाता हूँ, व्हाई डू आई गो। सबसे पहले WH फैमिली, देन मैन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड क्रिया जो हो रही है जाता हूँ, व्हाई डू आई गो। सेकेंड इज मैं कब दौड़ता हूँ, व्हेन डू आई रन। व्हेन कब दौड़ना, रन, व्हेन डू आई रन। थर्ड इज तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। फोर्थ इज मेरा भाई क्यों हंसता है, व्हाई डज माई ब्रदर लाफ। मेरा भाई क्यों हंसता है, व्हाई डज माई ब्रदर लाफ। अब WH फैमिली को हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे व्हेन व्हाई हाउ एक्सेट्रा का प्रयोग। व्हेन व्हाई हाउ प्लस मैन हेल्पिंग वर्ब, डू या डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अब सेंटेंस देख लेते हैं। उसके दोस्त कैसे नहीं हंसते हैं, हाउ डू हिज फ्रेंड्स नॉट लाफ। सबसे पहले WH फैमिली, फिर मैन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर नॉट एंड लाफ। उसके दोस्त कैसे नहीं हंसते हैं, हाउ डू हिज फ्रेंड्स नॉट लाफ। 6th इज गाय कब नहीं चरती है, व्हेन डू काउज नॉट ग्रास। गाय कब नहीं चरती है, व्हेन डू काउज नॉट ग्रास। 7th इज बच्चे क्यों नहीं खेलते हैं, व्हाई डू चिल्ड्रन नॉट प्ले। बच्चे क्यों नहीं खेलते हैं, व्हाई डू चिल्ड्रन नॉट प्ले। 8th इज सीमा और रीना क्या नहीं खाती हैं, व्हाट डू सीमा एंड रीना नॉट ईट। सीमा और रीना क्या नहीं खाती हैं, व्हाट डू सीमा एंड रीना नॉट ईट। उम्मीद है फ्रेंड मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी टाइम पर अपडेट मिलती रहे। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।